हेलो डिजाइनर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ वेडिंग कार्ड का बहुत सारे क्लिप आर्ट जो हर रिलीजन का है। जो जो वेडिंग कार्ड बनाते हैं उन लोगों के लिए आज बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे और कौन कौन से किस किस टाइप का क्लिप आर्ट है, और साथ में मैं आपको हिंदी वाला फोन दूंगा। इंग्लिश फोन तो सबके पास में होते दोस्तों, तो हिंदी वाला फोन में आपको कुर्ती दे और भारतीय का सारा फोन मैं देने वाला हूँ। और साथ ही कुछ वेडिंग कार्ड का सैंपल दूंगा जिसमें और रिलीजन कार्ड है और लैंडस्केप पोर्ट्रेट स्क्वायर कार्ड सभी टाइप के उसमें कार्ड डाले गए हैं, ठीक है। और उन कार्डों में कैसे कैसे कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्लिप आर्ट लगाया जाता है उसमें सैंपल में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, जिसको काम करने में आपको आसानी होगा जब भी आप कार्ड बनाने के लिए बैठेगा ना, तो इन सभी क्लिप आर्ट को कैसे कहाँ पे यूज करना है आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे हैं, जो इसमें जिप फाइल मिलेगा उस पर भी पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, पासवर्ड आपको इजीली मिल जाएगा। इनका डाउनलोड करने का तरीका बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ पे लिंक को क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट वो डाउनलोड फाइल मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगा जिससे आपको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहे, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आप सभी को वीडियो पे बतलाते, तो फिर चलते वीडियो पे। दोस्तों फाइनली हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, और जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको एक जिप फाइल मिलेगा जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पासवर्ड लगा हुआ है इस फाइल में, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके चार ऑप्शन एक्सट्रैक्ट करने का। एक्सट्रैक्ट करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, आपको जैसे भी करने कीजिएगा। तो हम लोग करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू विंडो कार्ड मटेरियल, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होगा, जो आप वीडियो पे बने रहिएगा, आराम से देखिएगा, पासवर्ड आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो में भाई लोग क्या है ना कि कभी कभी वीडियो देखते नहीं, स्किप करके देख लेते हैं और बाद में पूछते रहते हैं भाई पासवर्ड गलत है, पासवर्ड नहीं मिला, पासवर्ड बताइए, पासवर्ड नहीं है, ऐसा वैसा है। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एक फोल्डर हमारे सामने खुल के आता है जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस फोल्डर के अंदर आपको सभी फाइल मिलने वाले, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर भी मैंने 5-6 फोल्डर बना रखा है, जैसे कि आपको क्रिश्चियन कार्ड का, फरमान कार्ड का, हिंदू कार्ड का, और मरवाड़ी कार्ड का, मुस्लिम कार्ड का, और एक सरना कार्ड होता है जो झारखंड में आदिवासियों के लिए यूज होता है, ठीक है। सरना कार्ड का सबको जरूरत पड़े ना पड़े, बट झारखंड वालों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या है ना कि इन सभी फोल्डर के अंदर आपको कार्ड दिया गया है, कार्ड का सैंपल है जो ओपन फाइल है, इजिली आप यूज कर सकते हैं। और एक फोल्डर आपका क्लिप आर्ट का और एक फोन्स का। फोन को सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं और फोन को सिलेक्ट ऑल करके हम लोग अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने का क्या है कि सिलेक्ट ऑल करना है, राइट क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। जिस जिसके कंप्यूटर पे होगा जरूरत नहीं करने का इंस्टॉल, और जिस पे नहीं है वो इंस्टॉल कर ले इस तरह से। जिस जिस पे इंस्टॉल ऑलरेडी होगा उन पे ये ऑप्शन आएगा रिप्लेस का, तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है। फिर भी एक बार हम फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। यस कर देते हैं, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे वाले फोल्डर पे। तो दूसरा वाला फोल्डर में क्या है कि मैरिज का क्लिप आर्ट है, ठीक है। मैरिज का जो क्लिप आर्ट है, ऑलमोस्ट इसमें से जितने सारे क्लिप आर्ट है आपको वेडिंग कार्ड में बहुत ही जरूरत पड़ते होंगे, और ये सारे फाइल टिप फाइल है, जेपीजी नहीं है, ठीक है। ये सारे टिप फाइल आप वेडिंग कार्ड में जब यूज करने के लिए, जब भी कार्ड बनाइएगा ना, तो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो इसमें सारा का सारा फाइल मैंने स्टोर करके रखा है, जो जरूरत का फाइल है वही सब स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। तो ये फोन थोड़ा इंस्टॉल हो रहा है ना, इसलिए कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। और दूसरा कि मैंने एक फाइल बनाया है वेडिंग कार्ड मटेरियल, जिसमें आपका सभी रिलीजन का इसमें लोगो डाला हुआ है जो जरूरत के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। वो फाइल आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये जो फाइल है इस पे क्रिश्चियन का लोगो है, और गणेश कार्ड जो बनते हैं, हिंदू रिलेटेड कार्ड बनते हैं, उन सभी का मटेरियल डाला हुआ है। सुप्रीवा का सैम्बल है, अच्छे अच्छे गणेश जी का सैम्बल है। दूसरा निकाह इनविटेशन जो मुस्लिम का, मुस्लिम वेडिंग कार्ड में जो लगते हैं, उन सब का लोगो है। और नेम जो लिखते हैं ना हम लोग किसी को देने के लिए उस टाइप का, तो इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, सब आपके यूज़ में आने वाले, ठीक है ना। सब ये विक्टर फाइल है, यहाँ पे बहुत सारे फायदे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पेज पे आते हैं।
ये जो जितने सारे फाइल देख रहे हैं ना, सारे के सारे फाइल विक्टर है, ठीक है। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रेस करने पे, जब भी वेडिंग कार्ड बन जाए, कंप्लीट हो जाए, जब ट्रेसिंग निकालिएगा, सभी फाइल इजिली आपको प्रिंट आएंगे, क्योंकि सारा फाइल विक्टर है। कितना भी जूम करे, कितना भी बड़ा छोटा करे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्वालिटी कम नहीं होगा, ठीक है ना। सब हाई रेजोल्यूशन में बना हुआ विक्टर फाइल है, विक्टर फाइल कभी फटता नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सारे के सारे लोगों जितने सारे हैं, सभी विक्टर फाइल है। आप आराम से यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी कोई परेशानी हो, कुछ फाइल कम मिले, तो हमको एक बार जरूर कमेंट्स में डालिएगा कि इस टाइप का फाइल चाहिए, हम वो भी उपलब्ध कराएंगे और उसे जी फाइल में एडजस्ट करके फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये जितने सारे फाइल है ना, आपको बहुत ही जरूरत पड़ने वाला कार्ड बनाने के टाइम में, आपको मज़ा भी आएगा कार्ड बनाने में इतने सारे मटेरियल मिलने के बाद, ठीक है। इसमें यही सब कार्ड है और एक कंप्लीट कार्ड किया हुआ लास्ट में जो मैंने बनाया था, ये वाला कार्ड तो खैर बनाना आता ही होगा अगर आपका प्रिंटिंग प्रेस हो, अदरवाइज भी कोई नया हो तो उसके लिए भी एक सैंपल है, कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। जैसे कि ये सैंपल बना हुआ है मुस्लिम कार्ड का, ठीक है, इंग्लिश में, और एक बना हुआ है आपका इधर हिंदू कार्ड का, ठीक है ना। इन सबको देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फोल्डर भी बना के रखा है, उन सब फोल्डर से भी आप ले सकते हैं। क्रिश्चियन कार्ड का यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे बहुत सारे सैंपल डाला हुआ है ऑलरेडी कार्ड का, ठीक है। कोई से भी फाइल ओपन करना है और इस पर आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी का भी नाम, डिटेल्स वगैरह जो भी देते हैं आपको, उन सबको फिल करके एक कम्प्लीट कार्ड को बना सकते हैं, जिसमें आसानी होगा आपको बनाने में। इसलिए मैंने सारा फाइल को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आपको कहीं पर परेशानियाँ नहीं आएगी। तो दोस्तों हम लोग चले आते हैं फोल्डर की तरफ। फोल्डर की तरफ में क्या है कि आप सभी को फोल्डर बाय फोल्डर आपको कार्ड दिया गया सैंपल में जो बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है, सब ओपन फाइल है, इसलिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन कार्ड का फोल्डर है, हिंदू कार्ड का, मारवाड़ी, मुस्लिम और सरना कार्ड का, ठीक है ना। इन सभी फोल्डर के अंदर में थोड़े बहुत कार्ड दिए गए हैं, जो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर कार्ड है, सभी कार्ड को साइज बाय साइज दिया गया, ठीक है। एक फरमान कार्ड का फोल्डर अलग से बनाया हुआ है, जिसमें फरमान कार्ड का ये जो फरमान एक रोल टाइप का खुलता है और एक चार फोल्ड वाला होता है, ठीक है, उस टाइप का का डिजाइन वहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। हिंदू कार्ड में भी आपको उसी टाइप से दिया गया है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर कार्ड, ठीक है। उसी टाइप का मुस्लिम कार्ड, मारवाड़ी कार्ड और सरना कार्ड में भी दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कोई सा भी एक फाइल खोल लेते हैं, क्रिश्चियन कार्ड खोलते हैं, लैंडस्केप कार्ड खोल लेते हैं, ठीक है ना। लैंडस्केप कार्ड खोलते हैं, यहाँ पे देखिए लैंडस्केप कार्ड में जैसे कि ये बना हुआ है लैंडस्केप कार्ड जो लंबा होता है, ठीक है ना। आपको तो जब प्रिंट मारते होंगे तो आपको शो करता होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसा प्रिंट देना है, तो उसी हिसाब से ये लैंडस्केप कार्ड हुआ, ठीक है। लैंडस्केप कार्ड में सारा कुछ बना हुआ है, यहाँ पे सब फाइल ओपन है, नाम चेंज करना है, जो स्लोगन चेंज करना है, सब कुछ चेंज करके अपना जैसे कस्टमर के अकॉर्डिंग पे जो उनको चाहिए वो सब चेंज करके आप उनको दिखला सकते हैं, ठीक है, और एक सैंपल दे सकते हैं। आपको कार्ड बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। सारा लोगो वगैरह, क्लिप आर्ट जितने सारे होते हैं ना कार्ड के, सभी आपको फोल्डर बाय फोल्डर ऑलरेडी मैं बतला चुका हूँ, उधर से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे चले जाना अपने मटेरियल पे, मटेरियल पे जा करके अपना जो भी लोगो आपको पसंद आ जाए, जो अच्छा लगे इनको डालना, या कस्टमर का जो च्वाइस हो उनको आप दिखला के यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके अपने जिस फाइल पे काम करो वहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करके जो जैसे ये क्रॉस का चिन्ह हटाना था, हटा के यहाँ पे आप अपना अच्छे से साइज देके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्या है कि आपको खुद आपका कार्ड का लुक चेंज हो जाएगा, आप जिस टाइप से चाहे उनको डेकोरेट कर सकते हैं अपने कार्ड को, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे जो कार्ड दिया गया है, हिंदू का, मुस्लिम का सारा कार्ड है, आप कोई सा भी फाइल खोल के आप इजीली काम कर सकते हैं। सारा फाइल ओपन फाइल है, कहीं पे कर्व नहीं है, आराम से काम कीजिए। कोई दिक्कत होगा हमें कमेंट्स कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम वीडियो में नेक्स्ट टाइम पर आप लोगों के लिए आऊँगा बारात कार्ड और कार पोस्टर का डिज़ाइन, जो उसमें भी सभी रिलेशन का कार्ड होगा।